लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए संपत्ति खरीदने के आरोप में गुरुवार को ईडी ने करीब दो घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है। गौरतलब है कि वाड्रा और उनकी कंपनी के द्वारा जो बेनामी संपत्ति के मामले में संदिग्ध लेन देन हुआ है उससे जुड़े कुछ दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। लोकसभा में गुरुवार को भारतमाला परियोजना से संबंधित प्रश्न के उत्तर के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ हुई, वहीं सोनिया गांधी ने भी मेज थपथपाकर अपना समर्थन दिया। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट गुरुवार को पेश किया, वहीं सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र को साकार करने वाला इस बजट को करार दिया गया। लोकसभा चुनाव करीब आते ही कांग्रेस भी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। राजधानी भोपाल में राहुल गांधी की होने वाली बैठक के लिए कांग्रेसियों द्वारा लगाए गए बैनर में राहुल गांधी को राम भक्त और कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया गया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भारत के मन की बात कर रही है, इसके लिए पार्टी ने भारत के मन की बात मोदी के साथ इसी स्लोगन के साथ प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में अपने रथ रवाना किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान पूर्वोत्तर राज्य की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, वहीं कई अहम परियोजनाओं की नींव रखेंगे। केरल के कोच्चि की एक यूनिवर्सिटी ने उत्तर भारतीय छात्रों को सरस्वती पूजन करने की इजाजत नहीं दी है। गौरतलब है कि कुछ उत्तर भारतीय छात्रों ने वसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा करने की इजाजत वाइस चांसलर से मांगी थी। आरबीआई की एमपीसी ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है, इसका फायदा होम लोन और कार लोन की ईएमआई देने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं को मिलेगा। अब भोपाल के बड़ा तालाब और हनुवंतिया टापू जैसे स्पॉट पर चलने वाले क्रूज में जल्द ही शराब भी परोसी जा सकती है, जल्द ही कमलनाथ कैबिनेट इसकी इजाजत देने वाली है। क्रूज पर शराब वितरण को मंत्री गोविंद सिंह ने सही बताया, उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है बल्कि अच्छा ही है, इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी।